इटावा से खबर, जहां पर सदर सीट से विधायक सरिता भदौरिया बाल बाल बची हैं। इटावा रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की होड़ में सरिता भदौरिया प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई। विधायक सरिता भदौरिया आगरा से बनारस के बीच शुरू होने वाली नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंची थी इटावा स्टेशन, और इसी कार्यक्रम के दौरान हादसा हुआ। सरिता भदौरिया का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर जा गिरी। वंदे भारत ट्रेन के सामने ही वो गिर गई थी। गनीमत रही कि ट्रेन ने उस वक्त रफ्तार नहीं पकड़ी थी, ट्रेन अभी शुरू नहीं हुई थी। ये तस्वीरें उसी वक्त की दिखा रहे हैं, हादसे की तस्वीर। बैलेंस बिगड़ने की वजह से यह हादसा। खबर गाजीपुर से, रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिलने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है, छानबीन की शुरुआत कर दिया। पुलिस ने रेलवे के जई की तहरीर पर सदर कोतवाली में केस दर्ज किया। जमानिया रेलवे ओवरब्रिज के रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का एक टुकड़ा मिला, जिसकी वजह से दरभंगा से नई दिल्ली जा रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस प्रभावित हुई। लकड़ी का टुकड़ा ट्रेन के इंजन में फंस गया था। लकड़ी का गुटका जो है पटरियों के बीच में रखा हुआ था, जिसके कारण जो है इंजन के किसी पार्ट में फंस गया और इंजन फेल कर गया था, जिसके कारण स्वतंत्रता सेनानी रुक गई थी। इस घटना को लेकर जेई रेलवे के जेई के तहरीर पे कोतवाली थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और इसमें हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में लकड़ी का गुटखा वहाँ पहुँचा, कौन लोग ले जा सकते हैं, क्या क्या अन्य कारण हो सकते हैं, और इसमें विस्तृत जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उधर बलरामपुर और जौनपुर में बराफात के जुलूस में पाकिस्तान और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे। बलरामपुर में पुलिस ने आपत्तिजनक नारे लगाने वालों के जुलूस के दौरान उन्हें पकड़ा है। पुलिस वायरल वीडियो को लेकर अब जांच पड़ताल भी कर रही है। उधर वाराणसी में बराफात के जुलूस के दौरान हादसा हो गया। जुलूस वापसी के दौरान पिकअप में लगा इस्लामिक झंडा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, और पिकअप में बैठे 6 लोग करंट की चपेट में आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। 5 लोग खतरे से बाहर हैं, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है।